गंगा दशहरा का पर्व नजदीक आ रहा है। इस दिन गंगा माता की कृपा पाने के लिए विशेष घर में कुछ चीज लाए जाए तो इससे गंगा मैया का आशीर्वाद के साथ में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ये पंडित जी से जानते और सभी चीजें। गंगा मैया दुख हारणी है, भव भय को हारणी है और सर्वस्व प्रदान करने वाली है। गंगा मैया का प्रिय दिन प्राकट्योत्सव गंगा दशहरा है। इस दिन यदि हम घर में कुछ ऐसी चीज लाए जिससे कि गंगा मैया प्रसन्न हो तो उसमें सर्वप्रथम गंगा जल घर में लाए और सारे घर में गंगा जल के छींटे देवें और अपने इष्ट देव को गंगा जल से स्नान करावें। पीली कोड़ी लावें, उनका जल से अभिषेक करें, गंगा जल से अभिषेक करें, पूजन करके उनको लाल वस्त्र में बांधकर अपनी तिजोरी में रख देवें जिससे धनधान्य संपदा की प्राप्ति होती, लक्ष्मी जी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। नए वस्त्र यदि खरीदना है तो गंगा दशहरे पर खरीद सकते हैं। इस दिन नए वस्त्र धारण करने से, नए वस्त्र खरीदने से ऊर्जा की प्राप्ति होती है, शुभ संकेतों की प्राप्ति होती है और घर में झाड़ू खरीद कर लावे। घर में यदि गंगा दशहरा के दिन झाड़ू खरीद कर लाते हैं तो घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है और गंगा मैया को प्रसन्न करने के लिए आगमन होना चाहिए। उस दिन सफेद चीजों में दूध, दही, चावल, मेवा, मिष्ठान, ऐसा जो कि हम भगवान का पूजन करें और घर में पदार्थ के रूप में हम उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ऐसी चीज लावें जिससे गंगा मैया प्रसन्न होती है। जय गंगा मैया।